हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंजाब भवन में अमित शाह का फोन आया था कि बूटा सिंह तुसी गलबात के लिए तैयार हो। हमने बताया कि तैयार हैं पर कोई कंडीशन ना लाई जाए। ये बात बोलते हैं कि कानून किसानों के लिए है और किसानों के लिए होता था सारे भारत के लोग दिल्ली में थोड़ा आते। शाम तक लेटर भारत सरकार का हमारे पास पहुंच जाता है तो कल बाद दोपहर गलबात हो जाएगी। देखो अजय टेबल टाक की गलबात है, टेबल टाक से भरोसा किहो जहा आता है नहीं आता ये तो कल को पता लगे। हम कुछ नहीं कह सकते। देखो कौन कौन होंगे ये कह नहीं सकते की गलबात होगी। ये कोई अंतरजामी नहीं है कि मैं ये दस दूंगा कि कल आ बात होगी, टेबल टाक होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है किसान नेता बूटा सिंह जी। बूटा सिंह जी दावा कर रहे हैं अमित शाह से बातचीत हुई है। बूटा सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया, पंजाब भवन में बुलाया गया था। पंजाब भवन में, पंजाब भवन में अमित शाह का फोन आया था कि बूटा सिंह तुसी गलबात के लिए तैयार हो। हमने बताया कि तैयार हैं पर कोई कंडीशन ना लाई जाए। अगर कंडीशन लाई जाती है तो गलबात नहीं होती। ये पहला भी कंडीशन लाई रही है केंद्र सरकार, जब पंजाब में बैठे थे असी गलबात चलती सी उदो कंडीशन लाई सी, असी माल गड्डी तोड़ दिती सी, छोट दे दिती। तां कंडीशन लाई भारत सरकार ने कि पैसेंजर गड्डी को छोट देंगे तो गलबात होगी, नहीं गलबात नहीं होगी। यही कंडीशन होने लाता जो दिल्ली में आए कि निरंकारी भवन में जाएंगे तो गलबात होएगी, नहीं तो गलबात नहीं होएगी। ये डेडलॉक आया था, ये डेडलॉक टूट चुका है, रास्ता साफ हो चुका है। शाम तक लेटर भारत सरकार का हमारे पास पहुंच जाता है तो कल बाद दोपहर गलबात हो जाएगी। तो अमित शाह जी ने क्या कहा है कि लेटर आप लोगों के पास में आएगा, कौन भेजेगा लेटर और खुद क्या ये गृह मंत्री ने कहा है आपसे? देखो पहला भी लेटर ये जड़ा हैगा व्हाट्सएप जरिए नेटवर्क से जरिए जाता है, बहुत सौखा तरीका है। ये सारा 5-7 मिनट की बात है, आ जाएगा, उम्मीद है सानू कि आ जाएगा। जब लेटर आ गया तो सब तैयार हम बैठे। लेकिन एक संगठन नहीं है, 32 संगठन है। आप एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्या 32 संगठन तैयार होंगे? 32 संगठन है पंजाब के, 4 संगठन है जिहड़े ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ है। 37 संगठन, 36 ना कहो, 36 नुमाइंदे जाएंगे, 450 संगठन की नुमाइंदगी करेंगे। हाँ, तो अमित शाह ने आपको क्या भरोसा दिलाया है? क्या ये गतिरोध आपको लग रहा है कि अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग भी जो महीनों से सड़कों पर? देखो अजय टेबल टाक की गलबात है, टेबल टाक से भरोसा किहो जहा आता है नहीं आता ये तो कल को पता लगे। हम कुछ नहीं कह सकते। आपको कल बातचीत होगी है, ये बातचीत कल होनी है। हाँ कल अगर लेटर आज आ जाता तो कल होगी गलबात। कोई वक्त भी तय हुआ है अमित शाह जी से कोई बातचीत में कि किस समय तक हो सकती है बातचीत? बातचीत तो देखो बातचीत तो बैठे तो पता लगे ना क्या बात होती है। हाँ, टेबल टॉक ले रास्ता साफ हो चुका है, साफ हो गया है। तो बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, वो क्या बातें होंगी? क्योंकि आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि किसान कानून खत्म होना चाहिए, एमएसपी का जिक्र कर रहे थे, तो अब जब बातचीत का रास्ता खुल गया तो किन चीजों को लेकर के आप जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि कानून किसानों के हित में है। देखो ये तो बहुत चिर हो गया ये बात बोलते हैं कि कानून किसानों के लिए है और किसानों के लिए होता था सारे भारत के लोग दिल्ली में थोड़ा आते। जे किसानों के पक्ष में था तो किसानों को पहला बुला लेना था। कोई तुमको कहे कि तेन मैं 20,000 रुपया पे देना, तू कहे मैं तो 10,000 रुपया लेनी है। यही गल ये है, ये कहें आमदन दुगनी करनी है, असं कहने नहीं करवानी आमदन दुगनी, असी तो पहले वाली रखनी है। ठीक है, अगर दुगनी कर होंगी हो फिर असं सहमत होंगे, ये बात नहीं है। तो आप किन चीजों को, तीन अगर वो मुख्य बातें क्या होंगी जिसको लेकर के आप जो है गृह मंत्री या जो भी लोग बैठेंगे बैठक में उनके सामने जाएंगे? देखो कौन कौन होंगे ये कह नहीं सकते की गलबात होगी। ये कोई अंतरजामी नहीं है कि मैं ये दस दूंगा कि कल आ बात होगी, टेबल टॉक होगा। टेबल टॉक का रास्ता खुल गया है, बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि बूटा सिंह किसान नेता, उनका ये कहना है पंजाब भवन में इनको बुलाया गया, वहां पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनसे बात की है और अमित शाह ने कहा है कि आपको आधिकारिक तौर पर चिट्ठी मिल जाएगी, कोई शर्त नहीं रखी जाएगी, कल बातचीत होगी। और इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि किसान नेताओं और खुद गृह मंत्री के बीच में बातचीत हुई है, ये दावा कर रहे हैं खुद किसान नेता बूटा सिंह। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।